पोहे तो आपने कई तरीकों से बनाए होंगे। आज हम बनाएंगे एक नए और आसान तरीके से बनने वाले बहुत टेस्टी पोहे, जिन्हें एक बार बनाने के बाद आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप पोहे लिए हैं और ग्राम में देखें तो ये 150 ग्राम है। अब इन्हें एक बोल में डालकर इन्हें पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और इसमें जो डस्ट होगी ना वो ऊपर आ जाएगी। अब इस पानी को हम निकाल देंगे। तो 2 बार हमने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। अब एक स्ट्रेनर में हमने पोहे को रख दिया है। जब इसका सारा पानी निकल जाएगा तब हम इसे एक बोल में डाल देंगे और साथ ही डालेंगे इसमें हम 2 छोटे चम्मच चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पर हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। चीनी और हल्दी पाउडर को पहले ही पोहे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये पोहे में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी बॉल को उठा करके इन्हें मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। और अब लेंगे हम यहाँ पर 2 छोटे कच्चे आम। आम को पानी से धोकर इन्हें अच्छे से छील लें। अब इन्हें ग्रेट कर लेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर से हमने आम को ग्रेट कर लिया है, जिससे इन्हें पकने में कम टाइम लगेगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन में लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो ऑयल थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम 1/4 कप पीनट डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए पीनट को फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून लेंगे सरसों के दाने। इन्हें थोड़ा सा क्रैकर होने देंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज। इसे हम कच्चा पंदूर होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज को हमें एक गोल्डन कलर का नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कच्चा पंदूर हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। अब यहाँ पर हम 12 से 15 करी पत्ता लेंगे। करी पत्ता जरूर से डालें पोहों में, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम ये ग्रेट किया हुआ कच्चा आम डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर आम को पका लेते हैं। स्वादानुसार नमक लेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही लेंगे हम यहाँ पर 1/4 कप फ्रेश कोकोनट। तो कोकोनट को हमने मिक्सर में चला लिया है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और अब कोकोनट को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्लेवर के लिए हमने स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही ये जो फ्राई किए पीनट्स थे ये भी डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इन पोहों में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, तो लो फ्लेम पर ही हमें कोकोनट को मिक्स करना है वरना ये नीचे चिपक जाता है। अब इसमें ये पोहे डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से पोहे को सभी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पोहे भी हमने मिक्स कर लिए हैं। अब पोहे के बीच में हम थोड़ा सा गैप बनाएंगे और इसमें एक छोटा सा बाउल रख देंगे। इसमें डालेंगे हम एकदम गर्म किया हुआ पानी और पोहे के ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पोहे को स्टीम देंगे। है ना एक आसान तरीका, जिससे हमें पोहे को अलग से स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी रखने से पोहे ड्राई नहीं होते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और बहुत अच्छे से स्टीम में भी पक जाएंगे। तो पैन को अच्छे से कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और बस 2 से 3 मिनट के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया। इस कटोरी को हम बाहर निकाल देते हैं और ये देखिए तैयार है एकदम खिले खिले और बहुत टेस्टी पोहे। और बस अब हम इन गर्मा गर्म पोहे को सर्व कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इन पर नमकीन मिक्सचर भी डाल सकते हैं, मैंने इन्हें गार्निश किया है फ्रेश कोकोनट के साथ। तो तैयार है एकदम नए और आसान तरीके से बनने वाले पोहे। एक बार इन्हें जरूर से बनाकर देखिएगा और अपने कमेंट्स में साथ शेयर कीजिएगा कैसे लगी आपको ये रेसिपी। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।